नमस्कार, मैं सुमन और आप देख रहे हैं न्यूज प्रहर, खबर जो सच बोले। सीधे बढ़ेंगे खबरों की ओर, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। आसनसोल शिल्पांचल में भी कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन, वामफ्रंट और कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी का जलाया पुतला। नरेंद्र मोदी है। कुल्टी में टहलने निकला युवक बिजली तार की चपेट में आया, घटना स्थल पर ही मौत, इलाके में आक्रोश। पुरुलिया में और पहुंचे सेंट्रल फोर्स के जवान, नक्सल प्रभावित झारखंड सीमा पर बढ़ेगी तैनाती। अब खबरें विस्तार से। जब से केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि बिल को पारित कराया है, तब से संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बिल को लेकर संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ था। बंगाल की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने संसद परिसर में धरना भी दिया था। अब बंगाल की सड़कों पर भी कृषि बिल को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। देश के किसान संगठनों ने शुक्रवार को कृषि बिल के विरोध में देशव्यापी आंदोलन शुरू किया। इसका असर आसनसोल शिल्पांचल में भी दिखा। कजोड़ा मोड़ पर वाम मोर्चा के किसान संगठन सारा भारत किसान संग्राम समन्वय समिति ने एक बड़ा जुलूस निकाला। खास बात है कि इस प्रदर्शन में बंगाल में वाम मोर्चा के साथ चुनावी गठजोड़ करने को तैयार कांग्रेस भी शामिल हुई। जुलूस अंत में नेशनल हाईवे पर पहुंचा और यहां सड़क अवरोध किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक कर कृषि बिल का विरोध जताया गया। वाम मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने कृषि बिल को किसान विरोधी बताया और इसे देश के लिए खतरनाक माना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूंजीपतियों का दोस्त बताते हुए कहा कि कृषि बिल का मकसद किसानों को फायदा पहुंचाना नहीं, बल्कि उद्योगपतियों के हाथों में किसान के भविष्य को सौंप देना है। आज के सारा भारतवर्ष उत्ताल, आज के जे बिल आना हुए, भारतवर्षेर एकटा सरकार एकटार पर एकटा बिल निये आसछे, कारखाना बेचे दिए, एयरपोर्ट बेचे दिए, देश के आर पराधीनता रास्ते नहीं जा। आज के कृषक ऊपर हाथ पड़े, आप तार बिरोधिता करछी। वामफ्रंट एवं कांग्रेस जोट सारा बांगलाय, सारा भारतवर्षर साथे साथे बिलेर प्रतिबाद करछी। कोनो मते जे बिल कृषक घातक बिल, सेई बिल के आमरा अमेंडमेंट करते देव ना, आमादेर एई दाबी। ताई आमरा वामफ्रंट एवं कांग्रेसेर जे जोट, सेई जोट आज के रास्ताय आज के आमरा अचल करे दिएछि। पश्चिम बर्धमान अचल हये जाबे, बांगला अचल हये जाबे, भारतवर्ष थप्पड़टा मारा हच्छे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। जे मोदी एकटा कंडिशनेर ऊपर दिए, जे मोदी कंडिशनेर ऊपर दिए आज भारतवर्षे क्षमता एसेछिलो, जे बड़ लोकदेर काछे भारतवर्षके बिक्री करे जाओ। যেমন ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ পরাধীন ছিল, আবার নতুন করে ভারতবর্ষের মানুষ আবার পরাধীন এর আশপাশে বন্দী হয়ে যাবে। कृषि बिल को लेकर आसनसोल की सड़कों पर भी गुस्सा फूटा। इस बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के तहत आसनसोल नगर निगम कार्यालय के समक्ष जीटी रोड पर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, सड़क अवरोध किया, जिससे काफी देर गाड़ियों का आना जाना बंद हो गया। कृषि बिल के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुस्सा उतारा और उनका पुतला फूंका। आंदोलनकारियों ने कृषि बिल के साथ ही महंगाई को लेकर भी गुस्सा उतारा। कांग्रेसियों का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किसानों के साथ छल कर रहे हैं और केवल उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। कृषि बिल किसानों के हित में नहीं है। ये किसान विरोधी बिल पास करने के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर, जो महंगाई हुआ है टमाटर से लेकर आलू से लेकर हर वो रोजमर्रा का जिंदगी का जो खाने वाला सामान दिन ब दिन महंगा होता चला जा रहा है, और ये प्रधानमंत्री किसी का भी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि मेरा ईवीएम बाबा जो है वो हमको जिता पाएगा। लेकिन देश को, जनता को ये बात सोचना है कि अगर देश का भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य, अगर अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अगर आप नहीं सोचते हैं, तो ये मोदी सरकार, ये चंद बड़े पूंजीपति का सरकार बना हुआ है, ये सो गरीबों से कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अपने बोल रहा है, ये किसी और के बारे में नहीं सोच रहा। इसका विरोध हम लोग आज शुरुआत किए हैं आसनसोल शहर से, और ये विरोध उस वक्त तक चलेगा जब तक लोकसभा 2024 नहीं आएगा, तब तक मोदी के खिलाफ विरोध चलेगा।
सुबह टहलने निकले एक युवक की बिजली तार की चपेट में आकर मौत हो गई। यह घटना कुल्टी थाना इलाके के लाल बाजार गाँव की है। पता चला है कि काजल माझी नाम का यह 38 साल का युवक हर दिन सुबह टहलने के लिए जाता था। शुक्रवार को वह उसी तरह टहलने निकला था, लेकिन जब काफी देर बाद भी वह घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी को कुछ संदेह हुआ। वह उसे खोजने गई तो उन्हें एक जगह गिरे हुए देखा। अपने पति को उठाने के लिए जब यह महिला गई तो उसे भी करंट लगा। उसके रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लोग वहां आए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी पहुंची। काजल माझी की मौत से ग्रामवासियों में शोक की लहर है। আমাদের গ্রামেরই এক নিবাসী আছে দেবব্রত মাঝি, সবাই কাজল মাঝি বলে জানি। প্রতিদিনও আসে সকালবেলা ভোরবেলা এরকম জগিং করতে বা মানে কুকুর দিকে বাথরুম করার জন্য। আজকেও এসেছিল ভোর মোটামুটি 5:15। আসার পর কিছুক্ষণ পর দেখে যে ওনার ওয়াইফ দেখে প্রায় আধ ঘন্টা হয়ে যায় এখনও ওর হাজব্যান্ড আসেনি। তার জন্য ও আসে দেখতে, এসে পরে দেখে যে একটা ইলেকট্রিক তারের উপরে পড়ে আছে। আমাদের এখান থেকে বিসিসিএলের যে লাইটটা গেছে পুরো গ্রামে এরিয়া চলার জন্য, ওই লাইটটি আমাদের গ্রামেরই একজন রয়েছেন সুবল পাত্র বলে, ওনারই তার, উনি নিয়েছেন। তো যাই হোক, কোনোরকমভাবেই দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, তারের উপর উনি পড়েছিলেন। ওনার ওয়াইফ ওনাকে যখন সরাতে যায় ওনাকেও ঝটকা মারে, আর তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে দেখেন যে উনি একদম স্পটিং ডেথ করে যান। তো এখন আপনারা কী চাইছেন? এখন দেখুন, ওনার পরিবারে উনিই একমাত্র মানে পয়সা উপার্জনের একমাত্র উৎস উনিই ছিলেন। কারণ ওনার পিছনে একটা ওনার ওয়াইফ রয়েছে, একটা ফ্যামিলি আছে ওনার। ওই পরিবারটা যাতে আগামী দিনে ঠিকভাবে চলতে পারে তার জন্য আমাদের একটা ডিমান্ড আছে, মানে ওনার পরিবারেরই একটা ডিমান্ড যে একটা কমসে কম দুর্ঘটনা ঘটে গেছে এটা তার কিছু করার নেই। সমস্ত গ্রামবাসীর ওটাই ডিমান্ড আছে যে একটা মিলফিল করে ওর পরিবারটা যাতে আগামী দিনে চলে, ওর পরিবার যাতে না খেতে পেয়ে মরে যায় সেরকম একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেবে। পুলিশকে বলছে আমরা জেলে হলে জেলে যাওয়ার হলে চলে যাবো। একটা বার এসে পর দেখেছে যে মানুষটা যে মারা গেছে, এসে পর এনাদের বলুক যে না মানুষটা মারা গেছে, আমরা ভুল করেছি। তারটা একটা বারো মানুষ আছেন, এসে পর মুখ জোর করছে কেন? দেখুন আপনারা কি চাচ্ছেন? অবশ্যই তাদেরকে কোনো শাস্তি দেওয়া উচিত, নাহলে কোনো জরিমানা দেওয়া উচিত। এনার তো ইনি ভবিষ্যতে খাবে কি? এনার তো ভবিষ্যৎ আছে। কোনো ইয়ে হলে 20,000 টাকা আমরা কি টাকা দেখিনি কোনোদিন? দেখেঙ্গে এক ছোটে সে ব্রেক কে বাদ। ব্রেক কে বাদ সে বাদ স্বাগত হ্যায়। अभी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में देरी है, लेकिन यह आशंका प्रकट की जा रही है कि चुनाव करीब आते आते बंगाल के जंगल महल नाम से परिचित झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा व पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में नक्सली माओवादी गतिविधियां फिर से बढ़ सकती है, खासकर झारखंड सीमा से लगे इलाकों में। ऐसी खुफिया सूचनाओं के मद्देनजर पुरुलिया में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को और बड़ी संख्या में तैनात किया जा रहा है। शुक्रवार को पुरुलिया स्टेशन में एक विशेष ट्रेन से सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन के 5 कंपनी जवान पहुंचे। मालूम हो कि एक कंपनी में 100 जवान होते हैं। इन जवानों के पुरुलिया पहुंचने पर उनका स्वागत जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने किया। बहरहाल प्रत्येक जवान को उनके बैरक में रवाना करने से पहले कोरोना संबंधित आवश्यक नियमों से गुजरना पड़ा है, ताकि बाकी जवानों में कोरोना संक्रमण न पहुँचे। यहाँ यह बताना जरूरी है कि पिछले दिनों ही पुरुलिया जिले के नक्सल माओवादी प्रभावित पागमुंडी, अरसा, बरराम पुर जगहों में बड़ी संख्या में तैनात जवानों को वापस अपनी कंपनी में भेज दिया गया था। तब यह सवाल उठा था कि क्या पुरुलिया नक्सल समस्या से मुक्त हो गया है, लेकिन नए सिरे से जवानों के आने के बाद अब जिले के लोगों को राहत महसूस होगी। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरह ट्रैफिक कार्यों के सही तरीके से संचालन के लिए नई डीसीपी ट्रैफिक बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया है। पुलिस कमिश्नर सुकेश कुमार जैन और एडीडीए के चेयरमैन तापस बनर्जी ने नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया।
बानपुर के स्कोप गेट के निकट इसको द्वारा प्रदान की गई जगह पर यह बिल्डिंग बनेगी। एडीडीए के आर्थिक सहयोग से यह बिल्डिंग बनेगी। एडीडीए ने प्रथम चरण के तहत अभी 27 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर सुकेश कुमार जैन और एडीडीए चेयरमैन तापस बनर्जी ने इसको द्वारा प्रदान की गई जगह का मुआयना किया। आज के हमारा डीसीपी ट्रैफिक एयर बिल्डिंग का पूरोटाई रिनोवेशन है। हमारा सौभाग्य पे कि अड्डार का पूरा बिल्डिंग रिनोवेशन हो शिलान्यास आज के प्रथम फेजे 27 लाख टका दिए रिनोवेशन कर माननीय चेयरमैन साहब निजे पूरा व्यापार देखे हमें प्रपोजल दिए स्वीकार कर लें उनार पूरो टीम क्योंकि उद्योग नहीं भविष्य एक सुंदर डीसीपी ट्रैफिक इंडिपेंडेंट ऑफिस कैन तैयारी होने डीसीपी ट्रैफिक बसबें एखे एसिपी ट्रैफिक बसबें टीआई बसबें एंड जोगुलो आसानसोल दुर्गापुर अनेक रकम ट्रैफिक संक्रांत इश्यू नहीं वेटर आसें वा एखे आसते पर एखे वे सुनवाई एंड हमें मन करी कि ट्रैफिकर क्षेत्र भविष्य खूब ही उन्नति होफिसर माध्यम अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। आसनसोल में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए आसनसोल उत्तर विधानसभा के उत्तर ब्लॉक के माइनॉरिटी कमेटी का नए सिरे से गठन किया गया। इसमें नए लोगों को दायित्व दिया गया है ताकि संगठन मजबूत हो। इसके साथ ही कांग्रेस युवा मोर्चा में भी नए लोगों को शामिल किया गया ताकि युवाओं में कांग्रेस को लोकप्रियता बढ़ाई जा सके। उत्तर कमिटी आगे डिक्लेयर करा हुए चिलो ताते आरो दुजन तीन जन के ऐड करा हलो सेगुलो आमरा आजके देबो लेटर गुलो एसे गेले आमरा देबो प्रिंट करते दिछि जस्ट आसबे आर आमरा देबो नामटा बोलो कारा दुजन के जो एकजन होच्छे गणेश ठाकुर जाके सेक्रेटरी पदे देवा हलो आरेकजन होच्छे दीपक नीलंकर जाके नीलंकरी जाकेओ सेक्रेटरी पदे देवा हलो आरेकटा होच्छे विश्वजीत बोस उनाकेओ सेक्रेटरी पदे देवा हलो उनाकेओ सेक्रेटरी पदे देवा हलो माने कोथाय ब्लक आसानसोल ब्लकेर सेक्रेटरी उत्तर विधानसभा। खबरों को समाप्त करने से पहले फिर से एक नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। आसनसोल शिल्पांचल में भी कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन। वामफ्रंट और कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी का जलाया पुतला। नरेंद्र मोदी आए हो। कुल्टी में टहलने निकला युवक बिजली तार की चपेट में आया। घटना स्थल पर ही मौत। इलाके में आक्रोश। पुरुलिया में और पहुंचे सेंट्रल फोर्स के जवान। नक्सल प्रभावित झारखंड सीमा पर बढ़ेगी तैनाती। शिल्पांचल के विभिन्न महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए रोजाना देखना न भूलिए न्यूज़ प्रहर, खबर जो सच बोले। नमस्कार।